Hello everybody, today we will discuss about the vector and scalar. ये vector scalar बहुत important है और ये बहुत ज़्यादा use आता है BTech में भी, MTech में और BSc में, जो भी आप scientific work करना चाहें तो उसमें scalar और vector दोनों बहुत important आते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे one by one. Basically ये scalar और vector इसलिए important है कि कौन सी क्वांटिटी को, हर एक को तो हम नेम ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंटेशन दिखा करके उसके उसकी साइट या फिर उस पोजीशन दिखाते हैं और फिर उस पर किस तरीके से वर्क हो रहा है वो दिखाते हैं. और वेक्टर भाई स्केलर तो आसान ही है. स्केलर मींस, अब ये स्केलर क्या होता है, स्केलर आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, यानी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि करंट हो गया या फिर आपका वॉल्यूम हो गया या फिर आप ये कह सकते हैं जैसे मास हो गया, तो ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी हैं और या टेम्परेचर हैं. और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें उनका प्रोडक्ट यानी कि वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, दैट मीन स्केलर आर वेक्टर आर दोज विच हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड यानी कोई नंबर और वो उसकी डायरेक्शन पर रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसे वेक्टर कहा जाता है. इसके बारे में हम इस तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे. ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे थे. अब ये इसमें स्केलर क्या होता है, जैसे आपने ये कह दिया लाइक करंट, एनर्जी यू कैन से, और मास, ये सब एग्जांपल हैं स्केलर के. स्केलर आर दोज स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव ओनली द नंबर, यानी ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी नंबर. जैसे मास दे दिया, भाई आपका मास जो है 20 kg है या 30 kg, इस तरीके से जिसका सिर्फ नंबर हो उससे स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है. और वेक्टर क्वांटिटी जो है आपकी वो ये होंगी जिसके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें नंबर भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, जैसे वेलोसिटी मोमेंटम या आपका इम्पल्स, इस तरीके से ये नंबर भी होती है, जैसे कि वेलोसिटी चल रहा है भाई किस डायरेक्शन में चल रहा है और कितना 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मोमेंटम या सॉरी वेलोसिटी या मोमेंटम, यानी अगर मोमेंटम ले रहे हैं इसका मोमेंटम यानी पी, अगर मास दे रखा 20 × 30 कर दिया दैट मीन्स विल बी 600, ये 600 जो है kg मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये मोमेंटम आ गया. तो जिस जिस डायरेक्शन में मूव करा यानी डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड दिखाए यानी नंबर दिखाए उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है. इसके अंदर जो है स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं. स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट वो होते हैं जैसे कि दो वेक्टर हैं और उसमें डॉट प्रोडक्ट है, ए क्रॉस ए डॉट बी दैट विल बी ए बी कॉस थीटा, यानी कि उसके बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल कॉस ए और बी, यानी दो वेक्टर हैं सपोज इसमें एंगल थीटा है बीच में, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट या फिर आपका डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट वो होता है ए डॉट बी आपने करा या फिर ए बी कॉस थीटा, यानी इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे और कॉस थीटा जो उसके एंगल बिटवीन रहेगा, इस क्वांटिटी को हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. एग्जांपल इसमें जो है आपका, इसमें जब हम क्वांटिटी लेते हैं वेक्टर की, इसे आप एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज लाइक वर्क डन एफ डॉट डी एस और एफ एस भी कई बार दिखाते हैं इसे एफ एस एफ डॉट एस, यानी डॉट प्रोडक्ट आप हटाएंगे तो
जो आंसर आएगा हमारा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, और इस तरीके से क्वांटिटीज को जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसकी कुछ खास बात हैं, जैसे कि ये कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए, वेक्टर ये जो है इक्वलेंट होते हैं। और अगर आप जैसे इस तरीके से ए डॉट बी प्लस सी, दैट यू कैन ऑल्सो राइट ए डॉट बी ए डॉट सी, ये भी इसके इक्वलेंट आता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए डॉट ए जो होता है दैट विल बी ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार सॉल्व करने के क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्केलर वेक्टर आने चाहिए। इसमें ये ध्यान रखना है आपने, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, दैट ऑलवेज इक्वल टू वन, ये वन के बराबर होता है। और इसमें अगर क्रॉस लगाएं, मतलब ये डॉट लगाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा हमारा। और ये भी कह सकते हैं, सपोज ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी तीन कंडीशन आती है। जैसे आप लेंगे या तो ए ज़ीरो हो और बी ज़ीरो ना हो, दूसरा ए ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फर्स्ट कंडीशन में, दूसरा था बी कंडीशन बी इज़ नॉट इक्वल बी ज़ीरो एंड ए, तब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, या फिर ए एंड बी दे आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दे आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और बी, तो उस कंडीशन पे द थीटा इज़ ज़ीरो डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री रहता है दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 जो आएगा वैल्यू हमारी ज़ीरो आएगी, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नाउ वी विल डील अबाउट द वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये होता है ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी इसके बीच में एंगल थीटा रहता है। एग्जांपल इसके जो हैं दैट विल लाइक वेलोसिटी, टॉर्क एक्सेट्रा। अब इसमें जो वेलोसिटी आ रहा है फॉर्मूला वी इज इक्वल टू वाई का ओमेगा क्रॉस आर, जो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें ये भी कह सकते हैं आप, जैसे कि मैंने पहले अभी करके दिखाया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उस कंडीशन पे फिर से इसकी भी तीन कंडीशन है, या तो ए इज़ ज़ीरो एंड वेक्टर ए इज़ ज़ीरो एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड क्वांटिटी मतलब सेकेंड केस क्या आएगा, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड केस आएगा, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इन दैट केस ए क्रॉस बी जो है दैट विल बी ज़ीरो इफ ए एंड बी हैविंग एंगल बिटवीन ज़ीरो डिग्री। तब क्या होगा हमारा, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो दैट विल बी ज़ीरो डिग्री, ये हमारा आंसर, दैट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन ज़ीरो इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो जो वैल्यू होगी हमारी ज़ीरो आएगी। इस तरीके से हम इसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि उन्हें
मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।